तो राखी का जो त्यौहार है वो मिठाइयों के बिना अधूरा है। तो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, शाम के समय से 5:30 बज रहा है और मुझे जाना है मार्केट। और मार्केट में वैसे तो ज़्यादा काम है नहीं, छोटा मोटा काम है और थोड़ी राखियाँ खरीदनी हैं, और लेकिन छोटे मोटे काम ऐसे हैं जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, तो इसलिए आज जाना ज़रूरी है। और मैं ये हो चुकी हूँ तैयार, लवी अंदर हो रही है तैयार। वो क्या है ना, राखी हम पहले ही खरीद लेते हैं, मतलब यानी कि 10-15 दिन पहले हम राखी खरीद लेते हैं, तो उस समय कुछ बाजार भी नहीं लगी होती है। मैं इसके पापा के साथ जाके कुछ राखियाँ ले आई थी और कुछ राखियाँ ये लवी ले आई है, तो अभी थोड़ा राखी और बची हैं जो मुझे लानी है, क्योंकि मैं इधर मायके साइड में रहती हूँ तो मेरे बहुत सारे भाई हैं तो मुझे जिनको राखी बांधनी है, तो अभी राखी थोड़ा कम लेके आई मैं। तो 10-15 दिन पहले जब हम राखी लेके आते थे ना, उस समय ज़्यादा बाजार भी नहीं सजी होती, तो इस समय में बाजार भी काफ़ी अच्छी सज गई होगी, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, जब भी कोई त्यौहार होता है ना, हम पहले 2-3-4-5 दिन पहले ही जाकर के सामान ले आते हैं, तो बाजार की जो रौनक होती है ना वो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट, बाजार की रौनक भी देख लेंगे और मेरा जो छोटा मोटा सामान है वो भी मैं लेके आ जाऊँगी। और लवी शायद तैयार हो गई है, और चलिए अभी हम हो चुके हैं तैयार और ये लवी भी हो गई है तैयार। ये तो चलिए आपको भी ले चलते हैं मार्केट। अभी हम आ चुके हैं मार्केट से, तो जो हमारा सामान थोड़ा रह गया था तो वो हम लेके आ गए हैं। तो थोड़ी राखी हमारी रह गई थी तो राखी लेके आए हैं, मिठाई लेके आए हैं, रसमलाई लेके आए हैं इस बार राखी में। स्पेशली भाई लोगों की डिमांड है, रसमलाई हम खाएंगे इस बार करके, और मिठाई लेके आए हैं सभी लोगों के लिए। तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ, ये 5 डब्बे में लेके आई हूँ रसमलाई और ये राखियाँ और ये मिठाइयाँ। तो राखी का जो त्यौहार है वो मिठाइयों के बिना अधूरा है। तो और भी सामान है वो अभी अंदर रखा हुआ है, ये वो सामान है जो मैं अभी ख़रीद के लेके आई हूँ। ये मिठाई भी थोड़ा कम लेके आई हूँ क्योंकि मैं रसमलाई लेके आई हूँ उनके लिए। तो चलिए अभी हम इनको रख लेते हैं फ्रिज में, फिर रसमलाई है ना इनका ख़राब होने का इनका डर रहता है, तो चलिए इनको रख लेते हैं फ्रिज में। मिठाइयाँ और रसमलाई रख दी अभी फ्रिज में, और अभी मुझे जाना है बर्थडे में। नीचे संगीता के लड़के का बर्थडे है गौरव का, तो चलिए आपको ले चलते हैं बर्थडे में। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, happy, happy. हेलो गाइस, अब केक कटिंग हो गई है और अब हमको खाना है केक, और ये सब कर रहे हैं केक खाने का इंतजार।
अभी दो नंबर बचे हैं इसलिए हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बुलाओ भाई जो और दो बचे हैं। सबको शर्म लग रही है कैमरे में आने में। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और शर्मा रही हूँ, मैं बर्थडे पार्टी में गई हूँ और शर्मा रही हूँ। शर्म आ रही है क्योंकि हमें कैमरा फेस करने की इतनी आदत नहीं है। नहीं नहीं, कोई काफी टाइम से मैं कैमरे के सामने आई नहीं हूँ। ब्लॉग पर तो मैं काफी टाइम से आ रही हूँ। अरे ऐसे ये बहुत सुंदर गजरा लगाया हुआ है आज बर्थडे में, और हमारे लिए भी ले आती तो जरा हम भी सुंदर सुंदर लगते हैं। अरे अच्छा लग रहा है। सौंपा गया है कोल्ड ड्रिंक का डिपार्टमेंट, और ये रीता को सौंपा गया है केक कटिंग का डिपार्टमेंट, और संगीता तो खैर सुबह से ही काम पे लगी हुई है। और ये गायब हो गई थी, दिन भर आई नहीं देखने। हाँ, और ये अभी हम आ गए हैं किचन में, और किचन में बनती है रोटी, और इसमें बना है पनीर ये, और इसमें मिक्स सब्जी बनी है, और इसमें बना है रायता ये। तो अभी हम फोन को थोड़ा आराम देते हैं और बना लेते हैं खाना फटाफट, कई लोगों को जाना भी होता है। और तब तक आप बने रहे हमारे खाते में। मिलते हैं। ये तो घर से गया थी। पनीर दिखा दे तो जरा सा, किसने बनाया है? संगीता ने दिखा दो। हेलो गाइस, जगह नहीं हो रही इसलिए दूर से ले लूंगा। और ये बना है रायता, ये सब खाना बनाया है संगीता ने, और ये रंजना और सरिता बना रहे हैं रोटी। किचन थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा है। बनाई थी। हाँ, सब्जी किसने बनाई? मैंने। दोनों? इसमें थोड़ा हाथ संगीता का है, बाकी मेरा है। अच्छा, सरिता सरिता संगीता ने बनाई है, रंजना रोटी बना रही है, और मैं भी रोटी बना रही हूँ अभी। ये थी हमारी राखी की तैयारी और गौरव का बर्थडे ब्लॉग। तो दोस्तों, अब हम करते हैं ब्लॉग को समाप्त, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में राखी स्पेशल में। गुड नाइट, बाय बाय।